तो क्या UK07 राइडर की गर्लफ्रेंड इकरा है? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तो बताता हूँ। काफी सारे लोगों को लगता है कि इकरा उनकी गर्लफ्रेंड है, तो इसके ऊपर बाबू भैया ने क्या बताया अपने रीसेंट ब्लॉग में, उसको जानने से पहले हे मेरे बोले ना, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके माता पिता की उम्र को बढ़ा देना, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपको इस वीडियो को लाइक और जरूर से चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव तो लिखना ही पड़ेगा। तो बाबू भैया ने अपने इस ब्लॉग में बताया कि इकरा उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, केवल एक अच्छी दोस्त है, और कमेंट में भी लिखा कि एक लड़का और एक लड़की अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। क्या थगेश अपने शॉर्ट चैनल से बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं? तो जैसे कि आपको पता हो कि थगेश का एक शॉर्ट चैनल भी है जिसपे वो मिनी ब्लॉग अपलोड करते हैं, तो उसी चैनल की इनकम को उन्होंने रोस्ट कर दिया इनडायरेक्टली। थगेश ने ट्वीट किया, शॉर्ट चैनल का रेवेन्यू देखकर भरोसा और मोटिवेशन दोनों गायब हो गए, मतलब बोले तो शॉर्ट्स का रेवेन्यू बहुत कम है। तो बिग बॉस के विनर MC स्टैन को आखिर कितने वोट्स मिले थे जिसके कारण वो बिग बॉस 16 की ट्रॉफी जीत पाए? तो कितने वोट्स मिले थे उसको जानने से पहले हे मेरे भोलेनाथ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके माता पिता की उम्र को बढ़ा देना, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपको इस वीडियो को लाइक, आज से चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव तो लिख ही दीजिएगा। इस ग्राफ में आप देख ही सकते हो जिनमें प्रियंका चौधरी को मिले हैं 5 मिलियन प्लस वोट, शिव ठाकरे को मिले हैं 6 मिलियन प्लस, एंड वन एंड ओनली MC स्टैन को मिले हैं 15 मिलियन प्लस वोट।